तो आपने मेरा मूवी देखा? जी मैंने 2 बार देखी है। मैंने भी 2 बार देखी है। अच्छा, जब पहला जब सीन जब आपका शूट हो रहा था, तो क्या शाहरुख खान ने आपको कंफर्टेबल फील कराया? शाहरुख अंकल पीछे से आए, मुझे डरा दिया और फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर नेम। मैंने बोला कि मेरा नाम सीजा है। जो आपका पहला शॉट था, आपकी क्या मेमोरीज हैं उस शॉट की, जब पहली बार आपने शाहरुख खान के साथ में कैमरा फेस किया? मैं उनको रूल कर रही थी। अगर कुछ आप शाहरुख खान से अगर आप कुछ कहना चाहें जो कि अब तक आपने नहीं कहा है उनसे, तो क्या कहेंगे आप शाहरुख खान से? I miss you. Can I shoot with you again? सीज़ अ वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसी हैं आप? I'm fine. मैं ठीक हूँ। आप फाइन नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक ओके यू। सो आपने मेरा मूवी देखा? जी मैंने 2 बार देखी है। मैंने भी 2 बार देखी है। तो आपने कहाँ पर देखी है आपने 2 बार? सिनेमा, कौन से सिनेमा हॉल में देखी है आपने? प्रीमियर और एक 81 सीटर में। वो 81 सीटर, ये कहाँ पर है? यहाँ ही है, पुणे में। पूना में? अच्छा, यू बेस्ड इन पूना, राइट। ओके सो प्रीमियर में किस तरीके का आपको रिस्पांस मिला? शाहरुख खान ने क्या कहा आपसे प्रीमियर के बाद? मैं फर्स्ट वाले प्रीमियर की थी और सेकंड में शाहरुख अंकल है। ओके, और उनसे आपकी बात हुई थी प्रीमियर पे? नहीं, ओके, और आपको कैसा, आपको आपको किस तरीके का आपको फीडबैक मिला है आपको जवान के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए? बहुत सारे कमेंट्स और वो लोग मुझे वैसे सूजी बुला रहे मुझे। ओके, अभी आपको सूजी बुला। हाँ, ओके एंड जब आपको कैसे आपको पिक्चर आपको कैसे आपको ऑफर हुई, और आपको पता कब चला कि शाहरुख खान आपके इसमें स्टेप फादर बनने वाले? पहले ये रोल ये ऑडिशन में दीदी को मिला था। उसका एज बहुत बड़ा था, इसलिए ये रोल मुझे मिल गया। ऑडिशन मुझे करना ला। फिर मुझे मुकेश अबरा अंकल के ऑफिस में जाना पड़ा और फिर वहाँ ऑडिशन करना पड़ा। और फिर मुझे एडीज के साथ मिलना पड़ा। फिर मुझे एटली अंकल से मिलना पड़ा मीटिंग। और फिर मुझे बहुत सारे ऑडिशंस करने पड़े, लुक टेस्ट भी। फिर मैं मुंबई में ही थी। नेक्स्ट डे मुझे शाम में मैं लॉक हो गई और सिलेक्ट हो गई। और फिर नेक्स्ट डे मेरा आसाम के अंकल के साथ शूटिंग था। ओके, तो आपका जो पहला आपका जो सीन है शाहरुख खान के साथ में, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट उसमें नजर आती हैं। यू कम अक्रॉस एज समवन हुज वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, जब आप शाहरुख खान के साथ में आप शूट कर रही हैं, ये राज क्या है इस कॉन्फिडेंस का? कैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस? लाइक मैंने पहले से ही एड्स किया है और मैं कैमरा के ऊपर कंफर्टेबल थी, इसीलिए। ओके ऑलराइट। अच्छा, जब पहला जब सीन जब आपका शूट हो रहा था, तो कैसी आपकी प्रिपरेशन थी? आपको क्या एटली ने आपको क्या बताया, आपको शाहरुख खान ने आपको क्या बताया, क्या शाहरुख खान ने आपको कंफर्टेबल फील कराया, क्या क्या प्रोसेस था वो? पहले मुझे एटली अंकल से मीट करना था ना, तो मैं नर्वस थी। और फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई और मैं टेरेस के बाहर देख रही थी। शाहरुख अंकल पीछे से आए, मुझे डरा दिया और फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर नेम। मैंने बोला कि मेरा नाम सीजा है। और फिर उन्होंने पूछा कि डू यू नो हु आई एम। मैंने बोला एक्चुअली कि मैंने नो बोला, मुझे पता था बोल। और फिर उन्होंने बोला कि यू कैन कॉल मी शाहरुख अंकल, इफ दैट्स टू हार्ड फॉर यू यू कैन कॉल मी एहसान के अंकल। ओके, और जो आपका पहला शॉट था, आपकी क्या मेमोरीज हैं उस शॉट की, जब पहली बार आपने शाहरुख खान के साथ में कैमरा फेस किया?
उनको रूल वो लग रहा है, वो देख रहा था कि दैट यू आर लिटरली रूलिंग हिम, दैट इज कमिंग अक्रॉस वेरी 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 कर नाइसली। रही थी। जब वो फर्स्ट वाला सीन था ना शाहरुख अंकल के साथ, उसका मैं एक डायलॉग याद है मुझे। अगर प्लीज सुनाइए ना। आतंक का डिस्कशन हो गया फिर हम दोनों डिस्कस करें, हम पूरी लाइफ रहने वाले एक साथ, आप दोनों से ज्यादा हम दोनों को समझना बहुत जरूरी है। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट, अच्छा आपको आपको इसके बारे में आपको पता है कि नयनतारा साउथ में सुपरस्टार हैं, आर यू अवेयर ऑफ दैट? सो नयनतारा से जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था? और उनने मुझे बात नहीं किया उनने, पर अच्छा था। ओके, ऑलराइट। एंड एक एक उसमें सीन है जब जब जो सीनियर शाहरुख खान है, जब आपको किडनैप कर लिया जाता है, या राठौर, तो जब आपको किडनैप कर लिया जाता है और वो दरवाजा खोलते हैं तो आप कहती हैं पापा, वो कहते हैं कि ये भी क्या मेरी बेटी है, तो वो आपको सीन याद है आपको? कैसा कैसा एक्सपीरियंस था उस, मुझे पता है। कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ, मैं सेकंड सेट पे थी और मैं दो डायरेक्टर्स थे और रात रात के 3 बजे थे और दो सेट्स थे, दो डायरेक्टर्स थे। मैं सेकंड डायरेक्टर के साथ थी, काली अंकल, और हम लोग सेकंड सेट पे शूट कर रहे थे। और फर्स्ट सेट पे अटली अंकल और शाहरुख अंकल वो शूटिंग कर रहे थे। और फिर मुझे कॉल आया, मैं बहुत आई वॉज वेरी स्लीपी। और फिर एक कॉल आया कि फर्स्ट सेट पे मेरा एक शूट है शाहरुख अंकल के साथ। और फिर मैं वहां गई भाग के, और फिर मैं नींद उड़ गया और फिर मैंने वो सीन किया और वो 4 बजे का था। सुबह, ओके, ऑलराइट। मैं एंड जब जब तक, सोई नहीं, आई डिडंट स्लीप दैट। ओके, ऑलराइट, ओके। एंड आप एक इतनी बड़ी फिल्म का आप एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं, 1100 करोड़ करे हैं फिल्म ने, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, ऑलराइट। आपको किस तरीके के, किस तरह के आपको ऑफर्स आ रहे हैं पिक्चर के बाद, बहुत सारे। फिर भी कोई अगर बताना चाहें तो आप? एक ऑडिशन आया था इन डिस्कशन के लिए, वो तमिल में था। ओके, सो तमिल में भी, मतलब आप लोग लोग जो यहाँ पे काम को पसंद कर रहे हैं, नहीं, तेलुगु। देलकू, ओके, ऑलराइट। और आपके आपके फैमिली में, कि आप हैव यू बिकम अ स्टार इन योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स? यस, So how are they treating you now? नाइस। माय फ्रेंड्स आर आल्सो प्लेइंग विद मी अ लॉट। Okay. अच्छा, अगर कोई एक आप अगर कुछ आप शाहरुख खान से अगर आप कुछ कहना चाहें जो कि अब तक आपने नहीं कहा है उनसे, तो क्या कहेंगे आप शाहरुख खान से? आई मिस यू आई मिस यू, कैन और कैन आई शूट विद यू अगेन। आई शूट विद यू अगेन, ऑफ कोर्स। और नयनतारा से अगर कुछ कहना चाहें आप? Nice to meeting you and I will meet you again ऑलराइट। और सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर जो है वो आपको ट्रिक करते हैं फिल्म के अंदर, सुनील ग्रोवर से कुछ कहना चाहें अगर आप तो? something else? Like Shark uncle used to tell me that can I ask me that can I kiss you on the forehead? All right, that is amazing. All right, okay. So सीज़ा, बातें आपसे बहुत सी करनी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड एनी स्पेशल मेमोरी ऑफ ऑफ जवान, फाइनली अगर कुछ बताना चाहें, एनी स्पेशल मेमोरी ऑफ, मोस्ट स्पेशल मेमोरी ऑफ जवान जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें चलते चलते? मुझे एक जो जवान मूवी में नहीं था, बता दें।
ओके बताइए। मेरे शाहरुख अंकल के पीछे बैठी थी और शाहरुख अंकल मेरे आगे बैठे थे। मुझे उनका वैनिटी देखना था, इसलिए मैं उनसे जाके उनसे पूछा कि कैन आई सी योर वैनिटी। उन्होंने बोला हाँ। फिर वो बाउंसर से वो पूछा मुझे कि विल यू गो विथ हिम, और फिर मैं उनके साथ गई और फिर मैं उन्हें उनका वैनिटी देखा अंदर से। Amazing. That's a special memory that you have. All right, Caesar, thank you very much. For lunch. He asked you out for lunch. He asked you to have lunch with him. Okay, that's amazing. All right, so Caesar, thank you very much. Congratulations once again. Thank you. All right, and all the best wishes. Welcome. Bye.